जहाँ रहो खुश रहो बाज रहो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम लोगों ने कहा चीनी वगैरह तोड़ लेते हैं क्योंकि फिर चोरी कर लेते हैं। और वीडियो हमारी पूरी देखा करें, आगे लिंक शेयर कर दिया करें ताकि हमारे व्यूज जो है ना कुछ बढ़ जाए। अल्लाह से ये थोड़ी इधर छुपी हुई है, कल भी एक आदमी तोड़ के गया है। और ये देखिए इसके अंदर अम्मी, ये मेरी जिठानी और बेटी के काम है, आती है ना तोड़ के, हैं सही से नहीं तोड़ती, बड़ी बड़ी अंदर छुपा देती है। मैं बोलती देख के तोड़ा करूँ, कहती है हमें तो पता नहीं चलता, हमने सही देखा था, हमें और जगह पे चलते हैं, इतनी बड़ी और भी छुपी हुई होगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये चाची ने छुपाई होगी, मैं सही से तोड़ती हूँ। ये देखिए ये आती है ना देख के, चाची भतीजी सही से नहीं देखती, चाची कसूर हमारे ऊपर। तो आती तुम हो ना, देखिए तो आप आ जाया करें ना, हम नहीं आएंगे कल, दो तीन दिन हो गए मैं घर आई नहीं, वहाँ चाची, चाची आप तो गांव वाली हो, तुरिये छुपा देती हो। ये देखें जी यहाँ पे ये लटक रही है, ये देखें फ्रेश फ्रेश तुरी, पीछे भी है वो, इधर जो है ना दो लगी हुई है मस्जिद और दो दो, ये देखें वहाँ पे चाची गिरी पड़ी है। ये देखें कितनी लगी हुई है, ये देखें जी ये सारी तुरियाँ पड़ी हैं, यहाँ पे भी पड़ी हैं, काफ़ी दिन हो गए हमने नहीं तोड़ी है ना, तो ये देखें, ये देखें एक ये छुपी पड़ी है। अम्मी लोग तोड़ेंगे, अम्मी आप लोग तोड़ते हैं, मैं दिखाती जा रही हूँ। एक यहाँ पड़ी है, इस साइड पे भी काफ़ी लगी हुई है अपनी सब्जी की, ये देखें बात ही अलग होती है, काफ़ी लगी हुई है इस साइड पे भी लगी हुई है, ये भी बड़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी टू फैमिली, कैसी है, ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह जैसे कि सावी तुरी तोड़ी थी वो जो है ना हमने मामू को दी है, मामू को बोला है कि आप जो है ना बेच देना और उसकी जगह पे टमाटर और हरी मिर्ची ले आना, तो वो जो है ना मामू लेके चले गए हैं। और अभी जो है ना अम्मी और चाची गए हैं, साग वगैरह कहते हैं वो तोड़ के आई हैं। आप लोग सोचोगे कि साग का सीज़न तो नहीं है, लेकिन साग जो है ना कहाँ से लेके आई हैं, तो ये जो है ना कुछ अलग ही साग है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हवा माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी सी, तो चाची को शायद इस साग का नाम पता हो तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। देखें जी अजीब किस्म का ये साग है, ये मैं यहाँ पे काट रही थी और चाची यहाँ पे काट रही हैं, चाची यहाँ बैठी हैं। चाची अच्छा पहले नंबर पे ये बताएं कि ये कौन सा साग है, अजीब किस्म का है, बम्बेण। अच्छा जी मुझे तो नहीं पता कौन सा साग है, अगर किसी को पता है ना बम्बेण का साग, अगर किसी ने खाया है ना तो वो कमेंट में ज़रूर बताए। और ये जो है ना फूफो ने कल बनाया था और हम काफ़ी दिनों से अम्मी कह रही थी कि अब कराची चले जाएंगे तो साग जो है ना बना के खा लेते हैं, साग का मौसम तो आता है सर्दियों में, तो ये जो है ना फूफो ने कल बनाया था तो फूफो ने भिजवाया तो काफ़ी मज़े का था, तो हमने बोला कि आज जो है ना तोड़ के आते हैं। तो आप भी पहली दफ़ा, अच्छा पप्पू और अम्मी कह रही है बनता है, तो चलें आज ट्राई करते हैं, बनता ही नहीं, वैसे कल तो मज़े का बना था, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था जी हाँ। अच्छा जी अभी चलते हैं, कहवा वगैरह भी तैयार करते हैं, फिर साथ में चाय भी पियेंगे और साग भी काटेंगे। लिहाफ का जो है ना ये कवर वगैरह हो गया, ये जो है ना अम्मी ने लिहाफ जो है ना पूर वगैरह निकाल लिया था, इसको भिगा दिया, ये भी धोना है अभी। ये रही देखची मैंने यहाँ पर रखी हुई है जी, बकरी जो है ना बंदर के अंदर जाके बैठ गई है, क्या बकरी यहाँ बैठी हुई हैं, ये देखें, ये देखें। और कहवा जी मैंने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, बस बनने वाला है, अम्मी के लिए तराजे में निकाल के जो है ना मैं रख दूँगी। एक वक्त होता था कि इस टाइम जो है ना हम दूध वाली चाय पी रहे होते थे, और आज एक वक्त है कि कहवा बन रहा है, लेकिन जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी गाय की तो बात ही अलग होती है। कहवा हमारा बन चुका है, तलाजे में निकाल लेती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
तो चल के इनका कहवा देते हैं। आज मौसम बहुत जबरदस्त है, हवा चल रही है माशाल्लाह से। ये रहे चाची, गरम काफी है, ये पी ले मैं जब तक अपना कहवा लेके आती हूँ, फिर जो है ना मिल के साग जो है ना काटते हैं। अभी भी काफी सारा रहता है। और मैंने जी लकड़ी वगैरह मोटी उठा के जो है ना आग जला दी है, जब तक चाची साग धोती है मेरी वहाँ पे आग जल जाएगी, फिर जो है ना जल्दी जल्दी साग डाल लेंगे। और भी कमीज वगैरह जो नीचे गिरा है मट्टी हो गया उसको भी घाल रही हूँ। अब बता नहीं बनता कब तक है ये साग, अब इसका मालूम नहीं। अभी तकरीबन एक तो बज गया है, पता नहीं जल्दी गलता है ये देर से, क्योंकि है तो कोई और किस्म का साग। हाँ तो पता है नहीं, ऐसे बोल रही है शाम तक बन जाएगा। शुक्र है मेरी आग भी जल गई है यहाँ पे। अभी जी साग जो है ना इसके अंदर डाल रहे हैं, आग भी चाची अंदर कर देना लकड़ियाँ। अभी जी बिल्कुल ही शाम होने वाली है, और जो अबू ने सुरांजे के पत्ते जो है ना सुखा के उनका जो पाउडर वगैरह खाते हैं सुबह खाने से, मेरे ख्याल में पहले खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं, अभी इस चीज़ का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में खाना खा के उसके बाद जो है ना ये जो सुरांजे का जो पीस के पाउडर बनाया वो जो है ना खाते हैं। और वो जो है ना नाने अबू ने भी अभी सुरांजे के पत्ते जो है ना सुखा के भेजे हैं, तो उनको भी वो ग्राइंड करके देना है यूसर मशीन में, उनको पाउडर बना के देना उसका। तो अभी चलते हैं, मैंने यूसर मशीन जो है ना ले ली है और जिसमें ग्राइंड करूँगी, वो जग भी मैंने ले लिया, अभी चलते हैं वहाँ पे ग्राइंड करते हैं सुरांजे के पत्तों को और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि पिछली मरतबा जो है ना अबू ने खुद ही उस सुरांजे के पत्ते जो है ना ग्राइंड किए थे, लेकिन अभी जो है ना अबू कह रहे मेरी तबीयत सही नहीं तुम ग्राइंड कर लो। इसमें जो है ना अबू ने ग्राइंड किया था तो मैं जो है ना ले लेके आ चुकी हूँ, और ये रहे सुरांजे के पत्ते। कल जो है ना अबू ने बोला भी है लेकिन मुझे याद नहीं रहा, ये देखिए अभी जो है ना मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। पता नहीं मुझसे होता भी है या नहीं। अभी जी ये जो है ना ग्राइंड हो रहा है, मेरे ख्याल में खोल दे तो खोल देगा, काफी ज्यादा ये जो है ना पत्ते हैं सुराजे के। अभी जो है इसका पाउडर बनना शुरू हो गया, इसमें जो है ना काफी ज्यादा ताकत है मेरे ख्याल में, गोश्त हो गया दूध वगैरह पता नहीं किस चीज की ताकत है इसमें, जोड़ों का जिसको मसला है। तो अभी जो है डेली खाते हैं डेली, और नाने को जैसे कि जोड़ों का मसला है तो उनको भी अपने बोला तो मैंने भी पत्ते सुखा के भेजे हैं। अबू की शॉप की जो है ना कोई खिड़की नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना काफी ज्यादा इसमें गर्मी हफ्स और घुटन हो जाती है। अगर खिड़की के वसायल होते तो यहाँ पे जो है ना एक खिड़की रखवाते, जिसकी वजह से गर्मी जो है ना इतनी ज्यादा नहीं होती। अभी जो है ना यहाँ पे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, एक तो गर्मी वैसे बहुत ज्यादा हो रहा है, दुकान जो है ना बहुत ज्यादा बंद है। इसका पाउडर जो है ना बन चुका है, अभी इसको खोल लेती हूँ पहले बिल्कुल। इसको जो है ना ये देखिए अच्छी तरह हमने पीस लिया, अभी इसको इस थाल में जो है ना निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसका पाउडर बनाया, कितना सारा डाला था निकला कितना सा है, ये देखिए इसको बिल्कुल ही बारीकी से मैंने ग्राइंड किया। अभी बकिया जो है ना वो भी इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। इतना सा सिर्फ जो है ना ग्राइंड किया है मैंने ये, और ये थोड़ा सा मशीन में रखा हुआ है, और बकिया जो है ना ये सारा रह गया, लाइट चली गई है।
अच्छा जी, सुरांजी की जो पत्ते हैं ना वो पीस के दे के आ गई हूँ नाने अब्बू को। नाने अब्बू के हाथ में दी और उनको बताया कि एक चम्मच आपने खाना है। और साग भी हमारा गल चुका है, अभी साग को जो है ना गोटा वगैरह लगाएंगे और शाम के काम वगैरह करेंगे। चारपाइयाँ बाहर निकाल लिए, ठंडे पानी का कूलर भी बना लिया। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश होती है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो मुकम्मल देखा करें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर कर देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।